साल था 1947 और जगह थी मलका की खाड़ी। आज जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कुछ ऐसा जिसे सोचकर या कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो लोग उस दिन इस घटना के वक्त वहां मौजूद थे और अपनी आंखों से जिन्होंने इस घटना को देखा, उनकी आंखें इस घटना को देखने के बाद कई दिन तक सुकून की नींद नहीं ले पाए। जी हाँ, आज हम 1947 में घटी एक ऐसी ही घटना के बारे में आपको बता रहे हैं। कल्पना करिए कि मलक्का की खाड़ी के सामने से गुजरता एक जहाज और वहां से कुछ संदेश प्राप्त होते हैं, और जब वहां तक पहुंचा जाता है तो उस जहाज में एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। बहुत दिनों तक इस खौफनाक घटना की चर्चा होती रही और अंत में यह ऐतिहासिक घटना बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। अद्भुत और विश्वसनीय किंतु पूरी तरह से सच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फैक्ट फाइंडर चैनल में स्वागत करता हूं। आपके अपने एक ऐसे YouTube चैनल में जो आपको हर नए दिन कोई रोचक रहस्यमय जानकारी से अवगत कराता है। ये सफर यूं ही जारी रहेगा, इसके लिए हमें आपका सहयोग की जरूरत हमेशा रहेगी। YouTube देखते देखते आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर कॉमेंट करें ताकि हम और नई जानकारियों को आप तक ला सकें। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐतिहासिक सफर और बताते हैं कि उस दिन उस जहाज में ऐसा क्या हुआ था। तालीस में मलक्का की खाड़ी में एक व्यापारिक मार्ग से कई जहाज एक साथ गुजर रहे थे। तभी अचानक एक SOS संदेश पहुंचा, जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है। यह एक विचित्र संदेश था जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। नजदीक के जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़े। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंची और इस जहाज तक पहुंचे। औरंग मैदान पर आते ही वे हैरान रह गए। जहाज के बाद चारों तरफ खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यह घटना कैसे घटी। क्रू के हर सदस्य की मौत हो चुकी थी। जहाज पर शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये बात और भी हैरान करने वाली थी कि कई लोगों की आंखें अब तक खुली हुई थी और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जहाज पर एक कुत्ता भी सवार था और जहाज पर सवार उस कुत्ते की भी मौत हो गई थी। बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी, जबकि तापमान 110 डिग्री फॉरेनहाइट था। आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि सामने पड़ी डेथ बॉडी में से किसी के भी शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला किया। इससे पहले ही डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा। SS औरंग मैदान में विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले ही वे किसी तरह अपनी शिप पर वापस पहुंच पाए। हालांकि इस घटना के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने इस दुर्घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया। वहीं अधिकतर लोग इसके पीछे सुपरनेचुरल पावर को जिम्मेदार ठहराते हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें और नई जानकारी साझा करने में मदद करेंगे।